नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसीएन प्राइम टाइम पर। मैं हूं रत्नाकर और मेरे साथ में है आज इमरान जी। नमस्कार, प्राइम टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। आज कोरोना का विषय एक बहुत ज्वलंत मुद्दा बन चुका है। बहुत ज्वलंत और बहुत ही सीरियस मुद्दे पर आज हम इस प्राइम टाइम में बात करने वाले हैं। और दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि कोरोना ये एक पूरा जागतिक स्तर पर एक चैलेंज हो चुका है और बहुत ही एक गंभीर विषय की बातचीत आज हम हमारे साथ में करने वाले हैं। जी हाँ, ये एक महाराष्ट्र के लिए एक बड़ी खबर है कि 10 पॉजिटिव पाए गए हैं। बहुत सही बात कही आपने इमरान। जहां पूरे भारत की हम बात करें तो भारत में अब तक 64 जो कैंडिडेट्स हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें कोरोना के लक्षण जो है वो पॉजिटिव दिख रहे हैं। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 10 पॉजिटिव केसेस सामने आए, जिसमें से 8 जो है वो पुणे के और 2 जो है मुंबई के हैं। जी हाँ, अभी थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें उन्होंने कहा घबराने की कोई बात है नहीं, जितने भी 10 जो पेशेंट पॉजिटिव पाए गए हैं उनके सिम्टम्स भले ही वो कोरोना से इफेक्टिव है मगर वो नॉर्मल तरीके से नॉर्मल तरीके से है और एक कंट्रोल्ड तरीके से उनके ऊपर में निगरानी में रखा गया है। सरकार भी पूरी तरह से जो है जो भी कोरोना ग्रस्त है और जो भी पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं उनके ऊपर में बारीकिया से ध्यान सरकार उनके तरफ रख रही है। जहां हम सरकारी यंत्रणा की बात कर रहे हैं, कुछ जो है जहां हम कोरोना की अगर बात करते हैं तो वहां पर एक चीज ये है कि अभी तक कोरोना पर इफेक्टिव कोई कारगर ऐसा उपाय जहां देखने को नहीं मिल, जहां पर और जब यहां उपाय नहीं मिलता है तो वहां पर एक चीज अहम होती है, वो है प्रिकॉशन। जी हाँ, आज सुबह से ही सारे आरोग्य मंत्री हो या देश के बड़े बड़े नेताओं ने और डॉक्टर्स ने एक ही किया है कि प्रिकॉशन लीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है मगर सावधानी बरते। हाथ मिलाना जरूरी नहीं है, हाथ मिलाए ना, और ऐसी जगह हमारी भारतीय संस्कृति की अगर हम बात करते हैं, जहाँ पे मुख्यमंत्री का भी हमने सुना और देखा, उन्होंने भी कहा है कि हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि हम शेक हैंड करने के बजाय अगर हम नमस्कार करें तो किसी ना किसी तरह से हम इस संसर्ग से बच सकते हैं। सैनिटाइजर जो है हम हमारे हाथ को धोने के लिए पोंछने के लिए बार बार हम अच्छी क्वालिटी सैनिटाइजर का अगर हम सहारा लेते हैं तब भी हमें इससे बचा जा सकता है। भीड़ भाड़ वाली जगह से हमें दूरी बरतनी पड़ेगी ताकि हम किसी हद तक जो है इस कोरोना से हम दूर रह सके। कोरोना से बचने के कुछ उपाय जो हम बता रहे थे वो ये है कि हम भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाएं। संपर्क में आने पर लोगों से शेक हैंड को हम अवॉइड कर सकते हैं। फिर से एक बार बता दो कि हम अच्छे सैनिटाइजर्स का यूज कर सकते हैं। और कोरोना के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 27-28 डिग्री टेम्परेचर अगर है तो उसमें वो जीवित नहीं रह सकता, तो टेम्परेचर को भी हमको मेंटेन करना पड़ेगा। इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि जो डाइट हम ले रहे हैं तो ठंडी चीज़ों का जो सेवन है वो हमें कम करें, बाहर की चीज़ें खाने से बासी चीज़ें हम ना खाएं, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल हम और मांस मटन का अपन उपयोग करते हैं तो उसको एक कुछ समय में पका के एक समय अच्छे टेम्परेचर तक हम लेके जाए और उसके बाद ही उसका सेवन करें। और देखा गया है कि जो बाहर देशों से नागरिक आए हैं उनके लिए आज मुख्यमंत्री जी ने एक मैसेज दिया है कि 14 दिन तक वो बाहर ना निकले घर से। 14 दिनों तक उसके कहने के पीछे का मकसद ये था कि 14 दिनों तक जो है इसके लक्षण जो है वो दिखाई पड़ते हैं। अगर आपने परिसर में या हमारे घर परिवार में कोई भी अगर विदेश से आता है तो वो प्रिकॉशनरी तौर पर 14 दिन तक घर से बाहर ना निकले। मॉनिटर करें खुद अपने आप को कि क्या उनमें कोई बदलाव दिखाई दे रहे हैं, क्या कोई उनमें ऐसे लक्षण दिख रहे हैं कि जो सिम्टम्स बता रहे हो कि उनमें कोई एबनॉर्मेलिटी दिखे, जो खांसी या ऐसी चीज़ों के जिससे कोरोना के लक्षण अगर दिखते हैं तो उस पर समय रहते ही हम उसकी उपाय योजना कर सकते हैं, उनको ट्रीटमेंट जो है वो मेडिकेशन जो है तुरंत हम मुहैया करा सकते हैं। जी हाँ, कोरोना का असर पूरे देश में किस तरह से दिख रहा है इस पर अभी चर्चा करने वाले हैं सर हम। जैसे आज सुबह कई प्राइवेट स्कूलों ने 11 तारीख से लेकर 14 तारीख तक अपनी स्कूलें बंद रखी थी, तो शाम होते ही राज्य के शिक्षा मंत्री ने एक बयान दिया कि अभी फिलहाल तो ये सोचा नहीं किया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम आने वाले 2 दिनों में उस पर ध्यान रखेंगे, हर 2 घंटे में हमारी बैठक होंगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो स्कूलों को भी हम बंद कर सकते हैं। ये प्रिकॉशनरी तौर पर है कि अभी जैसे हम लोगों ने शुरुआत में बात की कि पूरे देश में 64 लोग जो है कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं, उनको प्रॉपरली मॉनिटर भी किया जा रहा है, लेकिन ये संख्या और ना बढ़े,
खास करके स्कूलों में बच्चे रहते हैं, बच्चों में भी एक सेंसिटिविटी रहती है, और हो सकता है कि और बच्चों को हर जगह पे ये मुमकिन भी नहीं होगा हमारे लिए कि हम उनको इतनी प्रिकॉशंस के साथ में रखें कि वो बराबर हाथ सैनिटाइजेशन से किए और ये सारी चीज़ों में अगर नहीं, तो प्रिकॉशनरी तौर पर हो सकता है आने वाले समय में अगर इसका इम्पैक्ट अगर बढ़ता हुआ दिखाई दे तो सरकार ये निर्णय ले सकती है कि स्कूलों को कुछ दिनों के लिए बंद रखा जाए। वही दूसरी बार अब देखा जा रहा है कि देश दुनिया भर में स्पोर्ट में भी इसका असर देखा गया है। 16 तारीख को होने वाली ओलंपिक प्रतियोगिता को भी रद्द किया गया है और आईपीएल में भी इसका कुछ असर होने की संभावना नजर आ रही है। आईपीएल के बारे में जो एक इनिशियली तौर पर बताया गया है और आईपीएल कमेटी ने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि हम बगैर दर्शकों के भी आईपीएल को खिला सकते हैं, क्योंकि मास व्यूअर जो है हम देख सकते हैं कि एक टेलीविजन के माध्यम से भी बहुत सारा व्यूअर्स उनको मिल सकता है। लेकिन अभी इस पर कोई निर्णय लिया नहीं गया है, ये प्रस्ताव अभी प्रलंबित है। इस पर जो आने वाले समय में क्या डेवलपमेंट होता है वो उस पर ये डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन आज की स्थिति में हमारे दर्शकों के लिए, हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोरोना से बचाव मतलब हम जो प्रिकॉशंस ले सकते हैं वही एकमात्र उपाय है कि हम इस कोरोना से अपने आप को दूर रख सकते हैं। जी हाँ, और जगह जगह पे एक मैसेज चालू है, अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट अवेयरनेस करा रही है, शादी समारंभ जैसे प्रोग्राम्स है टालने की कोशिश कीजिए। आने वाले दिनों में, आने वाले जो 15-20 दिन हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसको बढ़ावा देने के लिए, कोरोना को या ख़त्म करने के लिए। जी, और ये देखिए एक चीज़ होती है कि हमें कोई चीज़ बताई जाए या कुछ चीज़ें हम खुद प्रोएक्टिवली हम उसमें इन्वॉल्व हो, खुद प्रिकॉशंस लो, जैसे कि आह्वान किया गया है कि शादी ब्याह जैसे जो समारंभ है वो उनको हमको एक सीमित लोगों के बीच में ही बीच में। और कुछ उदाहरण भी हमको देखने में, महाराष्ट्र की एक बात है, एक किसान के यहाँ जब शादी थी तो उन्होंने छोटे से प्रोग्राम में ही पूरी शादी, जो उनकी कहीं और डेट थी, तो जब उन्होंने सुना कि ऐसा है तो उन्होंने जल्दी में जो सीमित समय के साथ में और सीमित लोगों के साथ में अपनी शादी भी निपटा दी। तो ऐसे कुछ आदर्श जो है हम भी उसे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ जहाँ भीड़ भाड़ वाली जगह हो वहाँ पर हम न जाएँ या उसको अवॉइड करें, ऐसे प्रोग्राम्स को हम टालें, तो ये हमारे देश के लिए, हमारे पूरे समाज के लिए और हमारी जो सेहत है सेहत के लिए भी अच्छा होगा। जी हाँ, अब नागपुर की बात करते हैं। नागपुर में आज 3 डाउटफुल केस सामने आई हैं, तीनों को भी नागपुर के मेडिकल अस्पताल में एक स्पेशल वार्ड में रखा गया है। नागपुर में भी अच्छी बेडों की व्यवस्था की गई है। नागपुर के मेडिकल में भी कहिए या जो ट्रैवलिंग एरिया है नागपुर, अपना जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन पर भी रेलवे हॉस्पिटल की तरफ से भी एक अच्छी तरह से व्यवस्था कराई गई, स्पेशल वार्ड कोरोना के लिए तैयार किया गया है। एयरपोर्ट में भी काफ़ी बाहर से आने वाले जितने भी यात्री हैं, एयरपोर्ट का आवागमन जो है विदेशों से ज़रा ज़्यादा होता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर भी ये प्रिकॉशंस बहुत अच्छी तरह से ले जाए। हमारी सभी दर्शकों की और हमारे नागरिकों की भी ये बेसिक जिम्मेदारी होती है कि हम किस तरह से कोरोना से अपना खुद का बचाव कर सकते हैं, हमारा, हमारे बच्चों का, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, ऐसी खास प्रिकॉशन, ऐसी खास बातें हम BCN न्यूज़ के माध्यम से प्राइम टाइम में आपके सामने लाते रहेंगे। आज हम हमारे दर्शकों को इस कार्यक्रम के माध्यम से आह्वान करते रहे हैं कि आप स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, कोरोना की के बारे में कोई भी र्यूमर्स ना पाले, बहुत छोटे छोटे प्रिकॉशंस हैं। अगर आपको खांसी आती है, सर्दी है, तो आप इसका प्रिकॉशंस लें, खांसते वक्त रुमाल जरूर रखें, जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ वहाँ पर मास्क का जरूर उपयोग करें, और एक अच्छा स्वस्थ जीवन जीने के लिए आप खुद को और अपने परिवार को और अपने दोस्तों को सहायता करें।